हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एलजेब्रा का थर्ड चैप्टर। ये एलजेब्रा की बुक है आपके पास। किसी बच्चे ने पूछा था एलजेब्रा कौन सी बुक स्टार्ट करवा रहे हो, तो ये हम जीवन सेंस पब्लिकेशन की बुक है, ये मैंने स्टार्ट करवा रखी है और इसका आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टू चैप्टर आर कम्प्लीट, ठीक है। तो पहले दो चैप्टर कम्प्लीट करवा दिए गए। ये बैक साइड में आपके पास पूरे बीएससी का सिलेबस या बीए का सिलेबस मेंशन है, ठीक है। तो एलजेब्रा बीबीएससी सेमेस्टर फर्स्ट है, जीवन संस पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। आज इसका हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स, ए आई जे ऑफ एन क्रॉस एन ऑर्डर की, ठीक है। हमने मैट्रिक्स लिए एन क्रॉस एन ऑर्डर की, मीन्स कैसी मैट्रिक्स है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। एंड लैम्डा बी एन स्केलर क्वांटिटी, यानी कोई कांस्टेंट लेके चल रहे हैं लैम्डा, स्केलर, देन ए माइनस लैम्डा आई। आई इज अ आइडेंटिटी, क्योंकि ए मैट्रिक्स है, लैम्डा कांस्टेंट है, कांस्टेंट से आई को मल्टीप्लाई करेंगे तब मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट होती है, क्योंकि मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है, इसलिए ए माइनस लैम्डा आई। किस टाइप से लिखेंगे इसको हम? अगर ए मैट्रिक्स हम लेते हैं एन क्रॉस एन ऑर्डर की, पहले तो आप इसको लिख लीजिए ए वन वन, ए वन टू, अप टू सो ऑन ए वन एन। ए सेकेंड रो है हमारी, फर्स्ट कॉलम ए टू टू अप टू सो ऑन ए टू एन। इधर चलते जाएंगे हम एन थ्रू फर्स्ट कॉलम, एन थ्रू सेकेंड कॉलम, अप टू सो ऑन ए एन एन, ठीक है। तो ए माइनस लैम्डा आई इज सेट टू बी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू देखिए कैसे निकालोगे, ए माइनस लैम्डा आई, दैट मीन्स ए की वैल्यू हमारे पास ये है दिस मैट्रिक्स, ठीक है, और लैम्डा आई, लैम्डा इज अ कॉन्स्टेंट, आई इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस कितने ऑर्डर की लोगे? एन क्रॉस एन की। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट 100 होता है, 100 अप टू सोन जीरो, सेकेंड यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 होता है, लैम्डा से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं अप टू सोन जीरो, इस तरह से हम एन क्रॉस एन की ले रहे हैं, 0 0 0, लास्ट में आपके पास लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। ये हमने ली है एन क्रॉस एन की आइडेंटिटी और लैम्डा से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, वैल्यू किसके निकाल रहे हैं? ए माइनस लैम्डा आई। तो यहाँ से फाइन निकाल रहे, ए में से माइनस करेंगे, मीन्स दिस नंबर माइनस बाय दिस नंबर, तो क्या आ जाएगा, ए वन वन माइनस लैम्डा, ए वन टू अप टू सो ऑन ए वन एन। नेक्स्ट इज ए टू वन, ए टू टू माइनस लैम्डा, हम इस मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स माइनस कर रहे हैं तो ए टू टू में से लैम्डा माइनस हो जाएगा, बाकी जीरोज हैं तो वो हमारे सेम रह जाएंगे, ठीक है, अप टू सो ऑन ए टू एन। इसी तरह से चलते जाएंगे एन एच रो में, क्या आ जाएगा, ए एन वन, ए एन टू अप टू सो ऑन ए एन एन माइनस लैम्डा। ये जो मैट्रिक्स होती है इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या फिर इसको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बोल सकते हैं, फंक्शन। तो पॉलिनोमियल कब बनती है, जो अभी आपके पास, जैसे हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है, अगर हम सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ चुके हो 11th क्लास में, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एक्स ए प्लस सी, दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो हमें मोड करना पड़ेगा ए माइनस लैम्डा आएगा,
दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, या फिर इसको बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन. ओके, दिस इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगी, दिस मैट्रिक्स राइट साइड पे, ठीक है, ए वन वन माइनस लैम्डा अप टू ए वन टू अप टू सो ऑन ए वन एन, ए टू वन ए टू टू माइनस लैम्डा अप टू सो ऑन ए टू एन लाइक दैट, ए एन वन ए एन टू अप टू सो ऑन ए एन एन माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट. अगर हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ये बन जाती है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या फिर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? इफ हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू जीरो, देन ये बन जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. समझ गए? पॉलिनोमियल लेंगे तो ओनली डिटर्मिनेंट लेना है आपको, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछा जाएगा तो ए माइनस लैम्डा आई, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू जीरो आ जाएगा. ठीक है, तो ये बन जाएगी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अभी हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है. ठीक है, इफ मैट्रिक्स ऑफ ए इफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2x2, अगर मैट्रिक्स 2x2 की दे रखी है आपके पास, देन आप डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ ए इनटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो. अगर मैट्रिक्स 2x2 की है, दैट मीन्स ए को ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 2x2 की, क्या आएगी? ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, ठीक है. लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2. ट्रेस ऑफ ए क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए सम ऑफ डायगनल एलिमेंट. मीन्स यहाँ पर डायगनल एलिमेंट कौन कौन से हैं? ए वन वन प्लस ए टू टू, दिस इज द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए. ठीक है, अगर मैट्रिक्स दे रखी हो आपके पास 3x3 ऑर्डर की, दैट मीन्स ए क्या बनेगा? यहाँ से 3x3 ऑर्डर की बनाएंगे, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री एंड ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री. ठीक है, तो ये आपके पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. अगर इसके हमें डायरेक्ट इक्वेशन निकालनी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू लैम्डा स्क्वायर. देखो यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए में हमारे पास लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए वन वन प्लस ए टू टू प्लस ए थ्री थ्री. कैपिटल ए है यहाँ पे, और कैपिटल ए क्या शो करते हैं? कैपिटल ए क्या होते हैं? कोफैक्टर ऑफ द डायगनल एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर गिवन होगा आपके पास. जैसे ए वन वन का कोफैक्टर ए वन वन से ही हम शो करते हैं, ठीक है. एंड माइनस हो जाएगा, स्टार्टिंग में प्लस फिर माइनस प्लस एंड नेक्स्ट टर्म है माइनस की, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, ठीक है. तो ट्रेस ऑफ ए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए क्या बताया था? सम ऑफ द डायगनल एलिमेंट. यहाँ आ जाएगा ए वन वन प्लस ए टू टू प्लस ए थ्री थ्री इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस दीज आर द कोफैक्टर्स. जो ए वन वन में है ये है कोफैक्टर ऑफ ए वन वन, ठीक है. ए वन ए टू टू दे रखा है, कोफैक्टर ऑफ डायगनल एलिमेंट हो गए ना, दीज आर कोफैक्टर ऑफ ए टू टू, सेम टू सेम ए थ्री थ्री, दीज आर द कोफैक्टर्स. तो ये इक्वेशन आप डायरेक्ट याद रख सकते हो,
2x2 एंड 3x3 मैट्रिक्स में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट या फिर आइगन वैल्यूज, जो पॉलीनोमियल आपके पास गिवन होती है, a माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ दिस, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, जितने भी ऑर्डर के आपके पास मैट्रिक्स है उतने ही ऑर्डर की, उतने पावर के लैम्डा में इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यूज जो आएंगे आपके पास उनको बोलते हैं आइगन वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। व्हेन वी सॉल्व कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो, जब इसको सॉल्व करेंगे देन हमें जो वैल्यूज मिलेंगी लैम्डा की, उस लैम्डा की वैल्यूज को बोलेंगे आइगन वैल्यूज या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, सेट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज, जितने भी लैम्डा की वैल्यूज आएंगी अगर हम उनका सेट बना लेते हैं तो वो बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, ठीक। डेफिनेशन से बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स गिवन आपके पास 3x3 ऑर्डर की और आपको निकालना है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, क्या थी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालनी है आपको और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। चलिए पहले ही फाइंड आउट करते हैं, ए माइनस लैम्डा आई इज, ए की वैल्यू रखेंगे, मैट्रिक्स ए इज 2-1, 1, 1, 2, 3, -2, 1, 2, माइनस लैम्डा इन टू आई, आइडेंटिटी से लैम्डा की मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 0 लैम्डा 0, 0, 0 लैम्डा, इसको सॉल्व करेंगे दिस इज इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा, -1 -1 -0 करेंगे -1, दिस इज 1, 1, 2 माइनस लैम्डा, 3 एज इट इज -2, 1, 2 माइनस लैम्डा, क्लियर। ये आ गया आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो इक्वेशन में आप क्या निकालते हो, मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू, ये आई हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट लेके चलेंगे, 2 माइनस लैम्डा -1, 1, 1, 2 माइनस लैम्डा, 3, -2, 1, 2 माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व कर लेंगे लैम्डा में इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। एक्सपैंड करोगे इसको तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, -3 +1 हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है, 1 इंटू 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा -6, नेक्स्ट इज 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा, दिस इज़ अ 4 माइनस 2 लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 माइनस लैम्डा इंटू 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -3 प्लस 6 और 2 8, और यहाँ से करेंगे दिस इज़ अ 5 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कराएंगे इसके तो इसको ऐड कर लीजिए पहले, 2 माइनस लैम्डा इंटू 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस लैम्डा एंड लैम्डा -3 लैम्डा प्लस 13, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और जो लैम्डा में इक्वेशन आएगी वो आपके पास बन जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। इसी का आप सेकेंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि हमने कोफैक्टर वाला बताया था। थर्ड है क्या फॉर्मूला बताया था हमने, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे डायरेक्ट तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस
a11 a12 प्लस a13 इंटू लैम्डा एंड माइनस डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो लैम्डा क्यूब ये इसका एल्टर मेथड है, सेकेंड मेथड है। ठीक है, या तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए मीन्स ए मैट्रिक्स के सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 2, 4 एंड 6, 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस a11 क्या था, a11 कोफैक्टर ऑफ 2, 1, 1। ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ 2 निकालोगे, कैसे निकालते हो कोफैक्टर ऑफ 2 अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें दिस मैट्रिक्स का, तो यहाँ से कैसे फाइंड आउट करते हो, माइनस 1 रेज टू पावर प्लेस है इसका 1, 1, 1 प्लस 1 इज अ 2 एंड डिटर्मिनेंट होता है 4 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो a11 की वैल्यू आ गई 1, सॉरी यहाँ पे आएगा डायगोनल 3, 3। a22 इज ऑल्सो 2, तो यहाँ पे भी माइनस 1 रेज टू पावर 4 पॉजिटिव रहेगा, डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम 2 माइनस माइनस इज प्लस। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 6, यह आ जाएगा 8 एंड a33 क्या आ जाएगा कोफैक्टर ऑफ दिस माइनस 1 रेज टू पावर 3, 3, तो यहाँ से हम माइनस 4 सॉरी 1 प्लस 4। ठीक है, तो 1 प्लस 4 इज 5 इंटू लैम्डा एंड माइनस में डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, इसको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको एक्सपेंड करेंगे 2 माइनस 1, 1, 1, 2, 3 माइनस 2, 1, 2, इसको एक्सपेंड करके इसका वैल्यू आएगी जो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, अब वो यहाँ पे पुट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए के प्लेस पे, देन इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, दिस इज बाय फॉर्मूला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड स्पेक्ट्रम ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स के आपको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने हैं, इसके लिए आपको क्या चाहिएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विच इज ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पे, ए माइनस लैम्डा आई, ए मैट्रिक्स इज दिस 8 माइनस 6, 2 माइनस 6, 7 माइनस 4 एंड 2 माइनस 4, 3, माइनस करेंगे लैम्डा आई मीन्स लैम्डा 0, 0, 0 लैम्डा 0, 0, 0 लैम्डा। ठीक है, नाउ ए माइनस लैम्डा आई करेंगे तो हम माइनस कर लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिख देती हूँ, ए माइनस 8 माइनस लैम्डा माइनस 8 सॉरी माइनस 6 एंड 2 माइनस 6 7 माइनस लैम्डा माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वही होते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। अब इसको सॉल्व करना है आपको, इसको एक्सपेंड करके लैम्डा में इक्वेशन निकाल लेना। ठीक है, एक्सपेंड आप खुद कर लेना, मैं इसका डायरेक्ट इक्वेशन लिख रही हूँ, लैम्डा क्यूब माइनस 8 लैम्डा स्क्वायर 18 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस इज 45 लैम्डा इक्वल टू 0। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ये इक्वेशन आएगी आपके पास, यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हम यहाँ से लैम्डा कॉमन ले सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 45 इक्वल टू 0, आइदर दिस इज 0 और दिस इक्वेशन इज 0, तो लैम्डा इक्वल टू 0 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगी, देन लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई हमारी 45 एडिशन माइनस 18, फैक्टर बनने चाहिए आपके पास 15 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 45 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 15 माइनस 3 इंटू लैम्डा माइनस 15, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 15 और 1 3। ठीक है, तो ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा आर 0, 3 एंड 15, ये आ गई आपके पास लैम्डा की वैल्यूज, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज। अब आपको बताना स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या बताया था,
सेट ऑफ ऑल, सेट बनाते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ऑल कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, दिस इज द स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, आइगन वेक्टर या फिर लेटेंट वेक्टर, ये तीनों एक ही चीज़ है, तीनों में से कोई भी आप कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बोल सकते हो, आइगन वेक्टर बोल सकते हो, लेटेंट वेक्टर बोल सकते हो। ठीक है, अभी जैसे हमने लैम्डा की वैल्यूज लैम्डा पढ़ा था, लैम्डा क्या था आपके पास, लैम्डा इज अ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, ठीक है, या फिर इसका सेकंड नेम आइगन रूट, आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज, इसका थर्ड नेम है लेटेंट रूट, या फिर इसका आप प्रॉपर रूट बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको लेटेंट हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, प्रॉपर हो गया, ठीक है। तो ये इनके अलग अलग नेम हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, इफ लैम्डा इज ए कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, देन ए नॉन जीरो वेक्टर एक्स इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर इफ इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, इफ एक्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक है, तो एक्स को हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर तब बोलेंगे जब लैम्डा आइगन, इसका आइगन वैल्यू हो यानी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हो किसका, मैट्रिक्स ए का। ठीक है, देन एक्स सेटिस्फाई करें इस इक्वेशन को ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, इसको हम सॉल्व करें तो ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, मैट्रिक्स चल रही है इसलिए लैम्डा इंटू आई रह जाएगा आपके पास आइडेंटिटी, बिकॉज लैम्डा इज एनी कॉन्स्टेंट, एक्स मैट्रिक्स बाहर आ जाएगा इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जब भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक रूट्स पूछे जाते हैं तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, प्रूव दैट ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एक्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए कैन नॉट कॉरस्पॉन्ड टू मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए। ठीक है, मीनिंग क्या है इसका कि जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, इनके कॉरस्पॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ एक्स ऑफ मैट्रिक्स ए वो वन होगा। ठीक है, यानी एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर के अलॉन्ग एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर मिलेगा। ठीक है, अगर लैम्डा की वैल्यूज अलग अलग आ जाती है, मान लो टू और फाइव दो वैल्यू है, तो इसके कॉरस्पॉन्ड आपको यूनिक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर मिलेंगे। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं इसका। लेट अस सपोज कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एक्स correspond to two characteristic roots। हमने ले लिया कि जो characteristic vector है वो दो characteristic roots के correspond है, उसको निकाल सकते हैं, roots भी ले लेते हैं which is lambda 1 and lambda 2। then अगर हम एक वेक्टर दो वेक्टर के एक वेक्टर दो रूट्स के कॉरस्पॉन्ड आ रहा है तो इक्वेशंस आ जाएंगे हमारे पास ए एक्स इक्वल टू लैम्डा वन एक्स एंड ए एक्स इक्वल टू लैम्डा टू एक्स। हमने दो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स लिए बट वेक्टर दोनों के साथ हमने सेम लिया, हमें प्रूव क्या करना है कि वेक्टर एक कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के साथ एक वेक्टर आएगा, दूसरे के साथ अलग वेक्टर आएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रूट चेंज होंगे तो आपके पास वेक्टर भी चेंज होते जाएंगे मैट्रिक्स ए के। नाउ कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, हमने लिया है कि वेक्टर एक्स कॉरस्पॉन्ड ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आपके पास अगर लेके चल रहे हैं तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, सेटिस्फाई करेंगे इसको। नाउ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस दोनों इक्वेशंस की अलग अलग ले लीजिए इसको, या तो दिस इज द फर्स्ट दिस इज सेकेंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड of first and second is same।
देन राइट हैंड साइड ऑल्सो सेम, तो लैम्डा वन एक्स इक्वल टू लैम्डा टू एक्स इम्प्लाइज दैट लैम्डा वन एक्स माइनस लैम्डा टू एक्स इक्वल टू जीरो, लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, आइदर दिस इज इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो। एक्स तो जीरो हो नहीं सकता बिकॉज हमने ये नॉन जीरो वैक्टर होता है, जो भी हम करेक्टरिस्टिक वैक्टर लेते हैं वो नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास कंडीशन, लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट लैम्डा वन इक्वल टू लैम्डा टू। ठीक है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर के जो आपके पास निकला वो कॉरस्पॉन्ड एक कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के ही आता है। अगर आपके पास दो कैरेक्टरिस्टिक रूट आ जाते हैं तो उसके लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की प्रोडक्ट अगर हम करते हैं किसी भी एन ऑर्डर की मैट्रिक्स का तो वो इक्वल होती है उसके डिटर्मिनेंट के। प्रूफ देखिए, लेट लैम्डा वन लैम्डा टू अप टू सो ऑन लैम्डा एन आर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। ठीक है, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उतने ही हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स लेके चलते हैं। ठीक है, अगर तीन क्रॉस तीन ऑर्डर की है तो थ्री ही रूट्स आएंगे आपके पास, एन क्रॉस एन की है तो हमने एन रूट्स ले लिए। अगर लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन एक ही कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं, दैट मीन्स लैम्डा वन लैम्डा टू अप टू सो ऑन लैम्डा एन आर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। अगर एक ही कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं दैट मीन्स ए माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो इसके भी रूट्स होंगे बिकॉज इसको ही सॉल्व करके हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस लैम्डा आई, अगर दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा वन, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और एन वेक्टर्स ले रहे हैं तो माइनस वन रेज टू पावर एन इन टू लैम्डा माइनस लैम्डा टू अप टू सो ऑन, सारे के सारे जितने भी रूट्स हैं उनके हम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे हम लैम्डा को ज़ीरो पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लैम्डा इज ज़ीरो, दिस इज ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस वन रेज टू पावर एन, दिस फैक्टर इज लैम्डा ज़ीरो, ज़ीरो माइनस लैम्डा वन माइनस लैम्डा वन, यहाँ से माइनस लैम्डा टू अप टू सो ऑन माइनस लैम्डा एन। ठीक है, नाउ दीज आर द एन फैक्टर्स मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से आ जाएगा माइनस वन रेज टू पावर एन इज एज इट इज़, एंड यहाँ से माइनस 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 मल्टीप्लाई करेंगे एन टाइम तो माइनस वन रेज टू पावर एन इन टू लैम्डा वन लैम्डा टू अप टू सो ऑन लैम्डा एन, सारे मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, दिस इज माइनस वन रेज टू पावर टू एन लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू अप टू सो ऑन लैम्डा एन, और लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। माइनस वन रेज टू पावर टू एन इज अ इवन क्वांटिटी है, माइनस वन की पावर इवन करते हैं तो नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वन इज अ पॉजिटिव यानी वन बन जाएगा, और वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा वन लैम्डा टू अप टू सो ऑन लैम्डा एन ये रह जाएगा राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड से डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यही हमने बोला था कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की अगर आप मल्टीप्लाई लेते हो तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आता है। ठीक है, तो आज आप यहाँ तक ही कवर कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो तब इसको ट्राई करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।